नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीजे नियो और आपका स्वागत है डीजे नियो चैनल पे। आज हम एक्चुअली पूरा सेटअप कर चुका हूं मैं अपना होम स्टूडियो का, लेकिन मालूम नहीं है अभी कितना ये चलेगा, इसलिए मैं लाइव नहीं कर रहा। लाइव का सेटअप अभी तक हुआ नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, लाइव में जब हम लोग करते तो बहुत लोग चैटिंग पे आके टॉपिक से अलग हो जाते, तो मैं एक एक टॉपिक करके कवर करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं अभी रिकॉर्ड करके फिर एडिटिंग करके आप लोगों को मैं स्टूडियो का FL स्टूडियो का ट्यूटोरियल डालते रहूँगा। तो हाँ दोस्तों, इधर मैंने अभी ले लिया है FL स्टूडियो का एक MT प्रोजेक्ट। अगर आप लोगों को नहीं मालूम MT प्रोजेक्ट कैसे लेते हैं, आप फाइल में जा सकती हो, इधर टेम्पलेट्स है, ये टेम्पलेट में जाके मिनिमल में मैंने MT प्रोजेक्ट लिया है। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, MT प्रोजेक्ट ले लीजिए। इसमें आपको क्विक विक कुछ भी नहीं आता इधर, तो नॉर्मली हम लोग को सीधा सा एक MT प्रोजेक्ट मिलेगा। अभी हम लोग इसमें एक काम करते हैं, सैम्पलर तो हमको चाहिए नहीं, इसके जगह पे हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट डाल देते इसमें। ये इस सैम्पलर के जगह पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ, तो FL कीस ले लेता हूँ मैं। तो मैंने इधर अभी ऑलरेडी FL कीस ले लिया मैंने, और ये जो अगर आपको नहीं मालूम है, लेफ्ट साइड में जो वन जो है वो है बेसिकली हमारे जो मास्टर के लिए जो चाहता है उसके लिए है। तो ये आप देख सकते हो, ये एक्चुअली इंसर्ट वन जो है, ये चैनल जो है अभी इधर जा रहा है। तो अगर मैं ये मारूंगा तो इसका एक्चुअली आवाज़ इस चैनल में आना चाहिए, तो उसको हम लोग रीनेम कर देते हैं। पहले रीनेम करना कभी भी मत भूले, बिकॉज नहीं तो आगे जाके अगर आप चार पांच इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे तो आप वो भूल जाएंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन सा चैनल पर जा रहा है। तो हमने पहला इंस्ट्रूमेंट हमने बना दिया पियानो, इसको भी मैं रीनेम कर देता हूँ, और मैं इसको कर रहा हूँ पियानो, क्योंकि यह है एक्चुअली पियानो का साउंड, और कलर कोडिंग भी मैं कर रहा हूँ। अगर आप चाहे तो इवन आइकॉन भी दे सकते हो पियानो, तो देखने में क्या आपको आसानी रहेगा कि पता चलेगा हाँ भाई ये हमारा जो है पियानो है। ठीक है, अभी हमें चाहिए सबसे पहले म्यूज़िक बनाने के लिए एक पियानो रोल। तो अगर आप इसको राइट क्लिक करेंगे और आपको क्लिक करेंगे तो आपको ये मिलेगा, यह है हमारा पियानो रोल, जहाँ पे हम लोग अपने जो मेलेडीज़ वेलेडीज़ और कॉर्ड्स वॉर्ड्स जो है स्ट्रक्चर सब कुछ बनाते हैं, और इसको बोलते हैं बार। म्यूज़िक का जो एक बेसिक काउंट रहता है उसको बोलते हैं बार। तो अगर इसमें है, देखिए आप ये डार्क वाला जो ब्लैक लाइंस है, इसको ये हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो चार बीट पे एक बार हो रही है। तो ये है मेट्रोनोम हमारा, और मैं टेम्पो इधर है, मैं टेम्पो एक 128 पे रख देता हूँ, मैं थोड़ा फास्ट बीट में मैं बनाना चाहता हूँ। और अगर मैं इसको खेलूँगा भी 1 2 3 4 1 2 3 4, इस पे चल रहा है, तो एक बार चार बीट का होता है। तो हम लोग चार बार का एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाएंगे अभी, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है इधर लेफ्ट साइड में, अभी बहुत लोगों को मुझे मालूम है स्केल्स के बारे में नहीं मालूम, कॉर्ड्स के बारे में नहीं मालूम। अभी कीबोर्ड में जो है सबसे पहला नोट आता है सी, देखिए आप सी, यह जो अभी जो आप देखेंगे इधर सी जीरो से लेके सबसे लो और सी टेन तक सबसे हाईएस्ट नोट तक हमारे पास पियानो रोल में दिया हुआ है। तो हम लोग सेंटर वाले लेते हैं सी फाइव। अभी ये इसको बोलते हैं ऑक्टेव्स, एक एक रेंज होता है। अभी एक सिंगर हो गया तो एक एक सिंगर्स का रेंज जैसा हो गया वो समझ लीजिए आप। अभी सी के बाद जो है डी ई एफ जी, और उसके बाद आता है नोट ए और बी, समझ गया आप, ए और बी। अभी इधर हम लोग को नोट्स नहीं दिख रहा, जिन दोस्तों लोग को नहीं मालूम ये इधर नोट्स अगर गिनने को, तो आप इधर पियानो रोल ऑप्शंस में जा सकते हो, फिर उसके बाद आप व्यू में जा सकते हो, और कीबोर्ड लेबल्स में ऑल नोट्स, तो इधर आपको वो नोट्स आ जाता है पूरा, ये देखिए। तो आप लोग ईजिली वो ऑक्टेव और नोट्स देख सकते हो। तो अभी हम लोग को मालूम नहीं, अभी फॉर एग्जांपल आप लोग को नहीं मालूम कॉर्ड्स क्या है स्केल्स क्या है, सबसे पहले तो स्केल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मैं आपको आज एक छोटा सा एक ट्यूटोरियल देता हूँ स्केल्स के बारे में, अगर आपने मेरा पहला ट्यूटोरियल देखा होगा तो उसमें मैंने दिखाया। अभी जो सी फाइव से लेके सी सिक्स तक ये हो गया हमारा सी का जो नोट है उसका जो है स्केल का फैमिली, तो आपने देख लिया अभी। और इधर जूम का कंट्रोल्स है हमारा, जो ऊपर और नीचे हम लोग कर सकते हैं इसको, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। तो ये सी फाइव से, जैसे मैंने बताया अभी, मैं अगर मैं सी फाइव से सी सिक्स तक अगर मैं नोट्स बजा रहा हूँ, तो आपने सुना वो है हमारा जो सारे गामा पाधा नी सा,
ये नोट्स आ रहा है इसमें। तो सी का जो फैमिली में है कोई भी वाइट नोट आप बजाएंगे तो मेलोडी बन सकता है। सुनिए ज़रा, मैं कहीं से भी अभी मैं नोट बजाऊंगा। एक मेलोडी का एक फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अगर सी का नोट में मैं अगर कोई भी ब्लैक नोट बीच में अगर बजाऊंगा तो वो थोड़ा बेसुरा हो जाएगा। आप सुन सकते हो, अभी मैं बजा के दिखाता हूँ, आपने सुन लिया। एक नोट जो फैमिली में नहीं होता तो वो एक्चुअली बेसुरा कर देता है गाने को। इसलिए जब भी कोई भी सिंगर गाना गाता है तो एक नोट अगर कुछ ख़राब होता है हमें वो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो हमें एक्चुअली वो फैमिली ढूंढना पड़ता है। अभी हम फैमिली ढूंढते कैसे, मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बता देता हूँ। जैसे हम देख रहे हैं इधर दो ब्लैक नोट हैं और ये तीन ब्लैक नोट हैं। ये हर सी का जो फॉर्मेशन में आपको ऐसे मिलेगा, देखिए दो ब्लैक नोट और इधर तीन ब्लैक नोट, ये देखिए दो ब्लैक नोट और इधर तीन ब्लैक नोट। तो आप लोगों को बस इतना ही करना है कि इसको हम कैलकुलेट करेंगे एक सी नोट से डी नोट तक, इसको बोलते हैं एक होल स्टेप, एक पूरा स्टेप बोलते हैं हम लोग इसको। और सी से ये जो है काले नोट को हम लोग शार्प शार्प बोलते हैं, जो हैशटैग में लिखा जाता है, सो सी शार्प बोलते हैं इसको। तो सी से डी तक होल स्टेप हो गया, मतलब एक पूरा स्टेप। तो हमको अगर एक सी का फैमिली चाहिए तो एक टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताता हूँ जिसको बोलते हैं होल स्टेप हाफ स्टेप, मतलब दो पूरा स्टेप और उसके बाद हाफ स्टेप। अभी इधर ई से एफ तक हाफ स्टेप क्यों है, क्योंकि इधर ब्लैक नोट नहीं है, तो एक नोट से दूसरा नोट तक जाने के लिए उसको हाफ स्टेप बोलते हैं। लेकिन एक नोट छोड़ के जब जाते हैं उसको फुल स्टेप बोलते हैं। तो दो फुल स्टेप और एक हाफ स्टेप, फिर उसके बाद तीन फुल स्टेप और एक हाफ स्टेप में हमको सी का फैमिली मिलेगा। तो ऐसे ही कीबोर्ड का जो फॉर्मेशन है हम लोग देख सकते हैं इधर, ये तीन ब्लैक नोट और तीन वाइट नोट, तीन ब्लैक नोट इधर और तीन दो ब्लैक नोट इधर, उसके हिसाब से फॉर्मेशन क्या है। अभी मैं एक खेल के दिखाता हूँ। पहले हम लोग लेते हैं रूट नोट, और हर गाने पे देखना आप, एक रूट नोट रहता है, मतलब वो गाने का बताते हैं उसका जो है की सिग्नेचर होता है, की सिग्नेचर होता है वो गाने का। तो अगर हम सी पे अगर बनाएंगे तो सी का स्केल पे हम बनाएंगे तो सी का ही लेंगे। तो इसमें जो है रूट नोट सी है, तो हम पहले बोलेंगे रूट नोट, वो बजाएंगे, फिर उसके बाद फुल स्टेप हाफ स्टेप, फुल स्टेप फुल स्टेप फुल स्टेप हाफ स्टेप, तो हमको मिल गया सारे गामा पाधा निसा। ये सेम चीज़ हम डी पे देखते हैं। तो हम बहुत लोग को ये नहीं मालूम एक्चुअली हर नोट का अपना एक साथ सुर है। तो अभी डी पे सेम चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे और हम देखेंगे कि हम लोग को डी में कौन कौन सा स्केल मिलता है। तो डी का हम लोग पहले बोलेंगे रूट नोट, फिर फुल स्टेप। अभी इधर देखिए, इधर ये हाफ स्टेप है, तो इसका इधर से फुल स्टेप जो है एक नोट छोड़ के आएगा। तो डी का पहले से स्टार्ट कर लेते हैं, डी रूट नोट फुल स्टेप हाफ स्टेप। अब तीन फुल स्टेप चाहिए, फुल स्टेप फुल स्टेप हाफ स्टेप। तो आपने देखा लास्ट में हम लोग डी पे ही पहुंचते हैं। तो डी फोर से निकला, हम लोग डी फाइव से पहुंचे। अगर सी फोर से निकला तो सी फाइव पे पहुंचे। अगर डी फाइव पे नहीं पहुंचा, मतलब आपने जो टर्मिनोलॉजी यूज़ किया वो गलत है। एक और बार मैं अभी बिना होल स्टेप हाफ स्टेप बोल के, बिना बोले मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखा आपने, अभी डी का जो फैमिली में हमने जो रूट नोट्स बताया है तो उसमें एक्चुअली सारे गामा पाधा निसा बना। तो देखिए आप, इसमें म्यूजिक बनता है। अगर डी का नोट का फैमिली का अगर नोट नहीं है तो हम लोग को वो बेसुरा लगेगा। सुनिए अभी, सुना आपने, अभी ये जो है डी का नोट का फैमिली में नहीं था तो इसलिए हमको थोड़ा बेसुरा लगा। सेम चीज़, अगर आपको हेल्प चाहिए इधर ऑप्शंस में जाइए, स्नैप में जाइए, मेजर, जो भी आप स्टाइल का म्यूज़िक बना रहे हो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ज़्यादातर मेजर और माइनर हम लोग शुरू करते हैं, तो हम लोग माइनर मेलोडी का भी देख लेते हैं, नहीं तो मेजर, अभी स्टार्टिंग मेजर से कर लेते हैं, कन्फ्यूजन ना कीजिए, उसके हिसाब से आप लोग गाना बना सकते हो। तो लगा लीजिए, अभी हम लोग से ए में बना रहे हैं। तो यह है ए मेजर का स्केल्स।
अभी देखा आपने, जो जो हिसाब से मैं खेल रहा हूँ उसके हिसाब से ये लग रहा है कि सारे गामा पाधा नीसा, उसके ऊपर मेलेडीज़ बनता है। अभी इसमें अगर मैं कुछ भी बजाऊँगा तो उसके हिसाब से इसका मेलेडी बनेगा। तो आपने देख लिया, अगर मैं एक भी नोट इसके अलावा कुछ भी बजाऊंगा तो वो बेस रहा हो जाएगा। सुनिए अभी आप। देखा, तो ये सी जो था ये एक्चुअली उस फैमिली पे बिलोंग नहीं करता, इसके कारण वो थोड़ा बेसुरा हुआ। देखिए, अभी मैंने सी का जो है मेजर स्केल्स का मैंने इसमें लगाया तो मुझे मिला सी डी ई एफ जी ए और बी, सब वाइट नोट जो हमने बजाया। अभी इसको बजा के देखते हैं। लास्ट में सी आता है वो हमारा। सेम उसकी तरह अभी हम लोग बी का देखते हैं। अभी बी नहीं, बी में देखते हैं। सेम मेजर नोट्स। अभी देखिए डी में जो मिला हमको, देखिए एफ शार्प नहीं आया, लास्ट में डी। तो आपने देख लिया, ऐसे हम लोग स्केल्स निकालते हैं। Hey guys, do not forget to subscribe and hit the bell icon for ongoing updates on this channel.